Okay, students, let's start with third segment. How to check the reports of your period items? Just go to profit and loss account. Okay. Press or tap one. You can see your all the items have been period. It's showing me net loss. Can you guess why? Because in question we are having this one. जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ललिता निशांत आप बता सकते हैं, जैसे इसमें तो आ रहा है नेट प्रॉफिट 5,72,000 और मेरे पास आ रहा है 1,97,000 का बॉन्ड. You can tell me in text. मेरे पास आया नहीं किसी का टेक्स्ट अभी. ओके, चलिए मैं बताती हूँ आपको इसमें. क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये क्या करता है, ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स का जो बैलेंस होता है, दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये ऑटोमेटिक उठाता है सॉफ्टवेयर. इफ आई विल ट्राई टू फीड दिस ग्रॉस प्रॉफिट मैनुअल इन द क्वेश्चन, देन इट विल नॉट ऑटोमेटिकली अपीयर इन योर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड नेट प्रॉफिट और लॉस ऑटोमेटिकली अपीयर्स. So, what I just do, I just need to fit trading account. Just to get the your gross profit of 7,69,000, मैंने अभी आपको segments में बताया ना, profit and loss account fit करना, जबकि ये individual नहीं डलता, ये combine होकर डलता है, पहले trading और उसका फिर gross profit automatically show करेगा इसमें. अभी सपोज मैं एक इसमें क्वेश्चन ले लेती हूँ. का डिफरेंस आ रहा था, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो 769 का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है. यू कैन जस्ट ट्राई टू मैनुअल फीड दिस, अदरवाइज यू नीड टू फीड योर ट्रेडिंग अकाउंट. लेट्स मूव ऑन टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Is it appearing in the balance sheet? Yes, it's appearing in the balance sheet. Because if you want to, you can see the difference. If you want to create your balance sheet separately, what you need to do is you just need to feed your liabilities and assets separately, and its profit and loss will auto. Its profit and loss that you period manually will automatically show in your financial statement in balance sheet. Otherwise, what it happens, you just need to fill trading account, then profit and loss, then balance sheet. क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ linked होती हैं. अभी जैसे मैंने आज आपको profit and loss बताया, तो इसमें ये चीज automatic आ रही है, आप देख सकते हैं net loss अपने आप आ रहा है, ऐसे ही उसका gross profit भी अपने आप ब्रोक डाउन करता है. अब next class में हम क्या करेंगे, तीनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके डालेंगे. ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जस्ट ओपनिंग योर गूगल क्लासरूम,
और मैं वहीं से ही आपके ये नोट्स ले रही हूँ. सी, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन कब से उठाया है? 4th of May को. 4th of May को मैंने क्वेश्चन उठाया है और उसके बाद इसी स्टडी मटेरियल को ही हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं. तो आप अपनी ये जो यूट्यूब की क्लासेस हैं ये मिस मत करो. और दूसरा, दीज आर इंटर रिलेटेड, योर मैनुअल अकाउंट्स एंड योर कंप्यूटर अकाउंट्स आर इंटर रिलेटेड, तो कुछ भी इसमें आपको इरेलेवेंट नहीं मिलेगा. उसके बाद मेरे पास एक ना फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है और अबाउट बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट 6th of May. आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट कि मेरे पास इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है. यस, मेरे पास इसमें एक फाइनल अकाउंट बना हुआ है. आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट आउट सो दैट वी कैन इजीली डिस्कस दिस क्वेश्चन इन टुमॉरोज क्लास. यस, इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है. यस, हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन है, तीनों सेगमेंट्स हैं जो हम एक ही क्वेश्चन में करेंगे. ओके, तो फिर हमारा क्या होगा? अभी ये ट्रायल बैलेंस. ओके, जब तक आपके पास एक ट्रायल बैलेंस ना हो उसके बेस पे फाइनल अकाउंट नहीं बनता. आपके पास फाइनल अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस शीट को कंप्लीट और इक्वल करने के लिए योर ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल. ओके, तो इसको ना कल हम दो तरीके से करेंगे. एक तो ट्रायल बैलेंस अगर आप मैनुअल फीड करते हैं तो टैली अपने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है. कल हम पहले इस ट्रायल बैलेंस को फीड करेंगे, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको थोड़े से फ्लेक्सिबल तरीके से किया. हमने क्या किया, सोल्यूशन देख के इसको फीड कर रहे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट को मुझे अगर टैली में डालना है डेबिट और क्रेडिट आइटम्स तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे आएगा. और दूसरा था, इधर से P&L का भी मैंने मैनुअल उठाया था कि मुझे अगर आइटम्स उठानी है तो आपका इसमें से प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा. फिर उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर होगा. अब कल हम इसको थोड़े नए तरीके से करेंगे कि अगर आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही फीड करना है तो उसके बेस पे फाइनल अकाउंट कैसे बनेंगे. तो आज की क्लास में हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस किया था तीन सेगमेंट्स में, Part 1, 2 and 3. और कल हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट स्टडी करेंगे और इन क्वेश्चंस को अगर आपने रिवाइज करना है तो CCFA और जो HDFA के स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको ये गूगल क्लासरूम का पीछे दिखाया है 6th of May, ये दोनों क्लासेस में सेम है. HDFA वालों को भी ये मिलेगा, CCFA वालों को भी यही मिलेगा क्योंकि हमारे जो 6 month स्टार्टिंग के होते हैं HDFA वालों के वो सेम जाते हैं. तो फाइनल अकाउंट्स तक हमारा बिल्कुल सेम है. आगे जो एडवांस अकाउंटिंग है और एडवांस टैली है वो कंसेप्ट हमारे थोड़े से डिफरेंट रहेंगे और मैनुअल हमारा सेम है और फाइनल अकाउंट्स तक हमारा ये सेम रहेगा. और जहाँ से हमारे डिफरेंट स्टार्ट होते हैं वहाँ पे मैंने CCFA के रोल दिए हुए हैं और HDFA वालों के कंटिन्यूटी में चल रहे हैं. तो आप अपना 6th of May जो डेट के टॉपिक्स हमने एक बार देखेंगे. थैंक यू.